जेंडर रिलीजन एंड कास्ट, ये जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है ना क्लास 10th की, उसका चैप्टर 3 है। इसमें हम जिस्ट ऑफ द चैप्टर यानी कि चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये हम इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में आप लोगों को लिखे हुए मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। इसके जो इंपॉर्टेंट टर्म्स MCQs और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं वो सब हम इसमें देखने वाले हैं। तो जेंडर, जेंडर जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है? आदमी या औरत। धर्म होता है रिलीजन और कास्ट होती हैं जो जातियाँ। तो धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति, इस चैप्टर में क्या है? रिलीजन, कम्युनलिज्म, पॉलिटिक्स, इन सब चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पढ़ा हुआ है, अब हम जस्ट देख रहे हैं इसकी। तो हिंदी में अगर हम देखें तो गांधी जी ने कहा था कि राजनीति को धर्म से ली गई नैतिकता द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए। तो जो राजनीति है वो इस तरीके से चलनी चाहिए जिस तरीके से धर्म में नैतिकता होती है, मॉरल्स होते हैं ना, जो हमारे एथिक्स होते हैं, अच्छाइयाँ जो होती हैं धर्म की, उनको हमें अपनी राजनीति में अपनाना चाहिए। हमारे देश में मानवाधिकार समूहों ने मांग की है कि सरकार धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए विशेष कदम उठाए। धार्मिक अल्पसंख्यक होते हैं जिनकी संख्या कम होती है, ऐसे धर्म जिनकी देश में संख्या कम है, जैसे कि हमारे देश में हिंदू धर्म जो है वो मेजॉरिटी में है, सबसे ज़्यादा लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। बाकी जो धर्म माइनॉरिटी में है वो देखिए इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है ना, जैन, बुद्ध, ये जो है माइनॉरिटी में आ जाते हैं। तो हमारे देश में जो ह्यूमन राइट्स के ग्रुप हैं और हमारे संविधान ने भी हर किसी नागरिक को समान अधिकार दिए हुए हैं। विमेन मूवमेंट्स यानी कि औरतों के लिए चलाए हुए मूवमेंट्स ने आर्ग्यू किया है कि जो फैमिली लॉज होते हैं सारे के सारे धर्मों के, वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं यानी कि औरतों के खिलाफ होते हैं, और गवर्नमेंट से डिमांड की है कि इस तरीके के जो कानून हैं उनको बदलना चाहिए, यानी कि जो फैमिली लॉस है, हमारा संविधान तो सबको बराबर ही देखता है। अब एक सेक्युलर स्टेट क्या होती है? सेक्युलर स्टेट यानी कि धर्म निरपेक्ष राज्य, इसका कोई भी ऑफिशियल धर्म नहीं होता है। भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है, यानी कि हमारे देश की सरकार का कोई धर्म नहीं है, सारे धर्मों को बराबर मानते हैं। तो ये कास्ट एंड पॉलिटिक्स क्या होती है, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। देखो कि कास्ट एंड पॉलिटिक्स, नो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द कंट्री हैज क्लियर मेजोरिटी ऑफ वन सिंगल कास्ट, सो एवरी कैंडिडेट एंड पार्टी नीड्स टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ मोर देन वन कास्ट एंड कम्युनिटी टू विन इलेक्शंस। यानी कि हमारे देश में ऐसा नहीं है कि एक धर्म के आधार पर या फिर जाति के आधार पर वोट मिल जाए। कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो बनती है ना उसमें कई सारे धर्म और कई सारी जातियाँ होती हैं, तो इसीलिए हर किसी का मत चाहिए होता है इलेक्शन जीतने के लिए। अभी साथ साथ हम देखते जाएंगे कीवर्ड्स वगैरह भी, हम क्वेश्चंस के साथ साथ इनको देखेंगे। पेट्रियार्की इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, यानी कि फादर का रूल फादर की चलती है, जिस परिवार में उसको पेट्रियार्की बोलते हैं। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है कि भाई देखो औरतें हैं तो घर का काम करेंगी, आदमी हैं तो बाहर का काम करेंगे, इस तरीके का जो डिवीजन हो रखा है ना समाज में, इसको हम लोग सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। अर्बनाइजेशन का मतलब होता है शहरीकरण, शहरों में रहना, शहरों में बसना। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी का मतलब होता है कि आप अभी एक काम कर रहे हैं, सपोज करिए आज मैं टीचिंग का काम कर रही हूँ, कल को मैं लॉयर बन जाऊँ, तो वो ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी होती है। कि ये तो एक तरीके से हो गया, बट यहाँ पे जो चैप्टर है, चैप्टर में हमें बताया गया है कि भाई पहले कुम्हार जो होता था, मतलब कुम्हार यानी कि कढ़े बनाने का काम जो था वो पूरी पूरी फैमिली वही काम करती थी, बेटा, दादा, पोत सब वही काम कर रहे थे। मगर अब क्या है कि ज़रूरी नहीं है जो आपके फादर काम कर रहे हैं आप भी वही काम करें, यही होता है ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। आपके एंसेस्टर्स जो काम कर रहे थे ज़रूरी नहीं है आप वही काम करेंगे। कास्ट हायरार्की मतलब देखो ये ब्राह्मण और फिर उसके बाद क्षत्रिय, वैश्य, शूद्री, जो हिंदू धर्म में जो एक कास्ट हायरार्की है कि ऊपर से नीचे जा रहे हैं, ब्राह्मण ऊँचे हैं, शूद्र नीचे हैं, ये वाली जो चीज़ होती है हाई कास्ट लो वाली चीज़, इसको हम लोग कास्ट हायरार्की बोलते हैं। फेमिनिस्ट मूवमेंट, फेमिनिस्ट मूवमेंट ऐसे मूवमेंट को कहा जाता है कि भाई औरतों को भी समान अधिकार मिले हर क्षेत्र में ज़िंदगी के, कि भाई राइट टू वोट होना चाहिए, पॉलिटिकल और लीगल राइट्स होने चाहिए वुमेन के पास, उनको अपना करियर बनाने के लिए एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, और पर्सनल और फैमिली लाइफ में भी उनको इक्वालिटी मिले, यही थी फेमिनिस्ट मूवमेंट्स। तो देखिए ये सारा का सारा पितृसत्ता क्या होता है, फिर उसके बाद श्रम का लैंगिक विभाजन, शहरीकरण और जाति पदानुक्रम, ये सब जो नारी आंदोलन, ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और ये हिंदी में भी लिखे हुए हैं। अब देखिए वन मार्क क्वेश्चन में भी हिंदी और इंग्लिश, यानी कि MCQs हिंदी और इंग्लिश दोनों में गिवन है। इन इंडिया द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द स्टेट, कोई ऑफिशियल रिलीजन है हमारा? नन। हम लोग क्या हैं? नन, कोई भी नहीं। सेक्युलर, हम सेक्युलर हैं। सेक्युलरिज्म में जो है देश का कोई भी धर्म नहीं होता है, सभी धर्मों को एक समान माना जाता है। तो भारत में, भारत का आधारिक धर्म नहीं, कोई भी नहीं है। अ सिस्टम दैट वैल्यूज मैन मोर एंड गिव्स देम पावर ओवर वुमेन, मतलब
आदमियों को जिस सिस्टम में ज़्यादा माना जाता है और औरतों को कम ताकत होती है उसको हम लोग पेट्रियार्की बोलते हैं। ये हम लोगों ने देखा था, ये वाला भी हमने देख लिया था पहले और ये भी देख लिया था। ये हिंदी में है ये वाला MCQ। अब देखिए थर्ड, देखिए इन विच सिस्टम ऑफ इलेक्टेड बॉडीज अबाउट 1/3 सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन। एक तिहाई सीट कहाँ पर वुमेन के लिए आरक्षित है? तो देखिए पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ में, जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं वहाँ पर हमारे देश में वुमेन के लिए सीट्स रिजर्व की गई हैं पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ में। तो ये हिंदी में यहाँ पर गिवन है। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडिया, यहाँ पे देखिए इंग्लिश में है और यहाँ पे हिंदी में है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडिया एज अ सेकुलर स्टेट इज इनकरेक्ट, मतलब हमारा देश जो है धर्म निरपेक्ष है, ये सच बात है। अब जो स्टेटमेंट है इनमें से कौन सा गलत है? तो गलत तो ये है, इट रिजर्व सीट्स फॉर रिलीजियस माइनॉरिटीज़। जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, क्या संविधान में ऐसा लिखा गया है कि उनके लिए लोकसभा, राज्यसभा या फिर विधानसभाओं में सीट जो है आरक्षित की जाए? तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें नॉट पूछा गया है तो ये आंसर है। हमारा कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, बिल्कुल सही बात है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन है सबके पास, हमको धर्म के आधार पर आज़ादी मिली है, ये भी सही बात है, और हम किसी से भेदभाव नहीं कर सकते, ये भी सही बात है। मगर हमें क्वेश्चन पूछा गया इनमें से सही कौन सा नहीं है, इनकरेक्ट पूछा गया है, तो देखो इनकरेक्ट यही है, इट रिजर्व सीट फॉर रिलीजियस माइनॉरिटीज़। क्या धर्म के आधार पर हमने सीटें रिजर्व कर रखी हैं? तो नहीं कर रखी हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनलिज्म सिग्नीफाइज एन आइडियोलॉजी विच स्टैंड फॉर रीजनल हार्मनी एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। क्या ये बात सही है गलत है? तो ये गलत है। सांप्रदायिकता एक विचारधारा का प्रतीक है जो क्षेत्रीय सद्भाव और आर्थिक समानता के लिए खड़ा है, तो ये गलत है। सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म की जो ये भावना होती है ना, ये कहती है कि भाई हमारा धर्म बड़ा है, तुम्हारा छोटा है, तुम्हारा बेकार है। तो जो कम्युनलिज्म है ना, ये ऐसी है जो शांति की बात नहीं करती है, बल्कि तो दंगा भड़काने की बातें करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विमेन और अ मैन हु बिलीव्स इन इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मैन एंड वुमेन, ऐसा आदमी या औरत जो आदमियों के लिए और औरतों के लिए दोनों के लिए समान अधिकारों की, समान अपॉर्चुनिटीज़ की, यानी कि समान अवसरों की बातें जो करता है, ऐसा आदमी या औरत, उसको हम लोग एक फेमिनिस्ट बोलते हैं। तो फेमिनिस्ट सिर्फ औरतें ही नहीं होती हैं, फेमिनिस्ट आदमी भी होते हैं। ऐसे औरत या ऐसे आदमी जो महिलाओं के लिए समान अधिकार, समान अवसरों की बात करते हैं, उनको हम लोग फेमिनिस्ट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच लीडर्स वर्कड फॉर द एलिमिनेशन ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडिया, यानी कि भारत में जाति व्यवस्था के खात्मे के लिए किन नेताओं ने काम किया? तो किन किन नेताओं ने काम किया? ज्योतिबा फूले, इन्होंने लिखी गुलामगिरी। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, आपका जो चैप्टर है ना वर्क लेजर एंड लाइफ वाला, जिसमें लास्ट चैप्टर हिस्ट्री का, उसमें ज्योतिबा फूले की गुलामगिरी के बारे में बात है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, महात्मा गांधी और पेरियार रामस्वामी नायकर, इन्होंने हमारे देश में जाति व्यवस्था के खात्मे के लिए काम किया। नेक्स्ट देखिए, गांधी जी यूज टू से दैट रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। बिल्कुल सही बात है, गांधी जी ऐसा कहते थे कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। पर ऐसा वो कहते क्यों थे? तो देखो, गांधी जी ऐसा इसलिए कहते थे कि धर्म को राजनीति से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि गांधी जी ये मानते थे कि जो धर्म की नैतिकता है, धर्म की अच्छाइयाँ हैं, वो हमें राजनीति में भी लानी चाहिए। अच्छी बात है। नेक्स्ट देखो, शिफ्टिंग ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज़ टू अर्बन एरियाज़ फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी, इसको अर्बनाइजेशन कहते हैं, मतलब लोग गांव से शहरों की तरफ जाते हैं ताकि उनको काम करने की ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम लोग अर्बनाइजेशन, या फिर आप कहें इसको हम लोग शहरीकरण, क्या कहते हैं इसको हम लोग, इसको हम लोग शहरीकरण या फिर अर्बनाइजेशन बोलते हैं, मतलब पॉपुलेशन का गांव से शहरों की तरफ को मूव करना ही शहरीकरण या अर्बनाइजेशन कहलाता है। क्वेश्चन जो है 10, इक्वल वेजेस एक्ट, इक्वल वेजेस एक्ट यानी कि समान वेतन अधिनियम, तो समान वेतन अधिनियम या फिर इक्वल वेजेस एक्ट क्या है? तो लॉज प्रोवाइड दैट इक्वल वेजेस शुड बी पेड फॉर इक्वल जॉब फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, यानी कि एक जैसा काम करने के लिए महिलाओं और पुरुषों को समान वेतन दिया जाएगा। तो कानून प्रदान करता है कि पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन का भुगतान किया जाना चाहिए, यही है समान वेतन अधिनियम। समान वेतन अधिनियम या फिर आप उसको कहेंगे इक्वल वेजेस
एक्ट एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है. अब हम 3 मार्क्स के क्वेश्चंस वाला देखते हैं. मेंशन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इन विच वुमेन आर डिस्क्रिमिनेटेड और डिसएडवांटेज्ड इन इंडिया. यानी कि जीवन के विभिन्न पहलुओं का उल्लेख करें जिनमें भारत में महिलाओं के साथ भेदभाव या उनको वंचित किया जाता है. तो देखो इसका जो आंसर है इसमें ये है कि फैमिली लॉज जो हैं वो मतलब रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन करते हैं. महिला सभी धर्म के पारंपरिक कानून महिलाओं के खिलाफ भेदभाव करते हैं, ऐसा होता है. देर आर रिपोर्ट्स ऑफ वेरियस काइंड ऑफ हरासमेंट एक्सप्लॉयटेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन. अर्बन एरियाज हैव बिकम पर्टिकुलरली अनसेफ फॉर वुमेन. महिलाओं के खिलाफ विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न शोषण हिंसा की खबरें हैं. शहरी क्षेत्र महिलाओं के लिए विशेष रूप से असुरक्षित हो गए हैं. मतलब जो है डोमेस्टिक वायलेंस, महिलाओं को मारा जाता है, उनके साथ खराब बर्ताव किया जाता है, और जो शहरी इलाके हैं वो महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है, असुरक्षित हो गए हैं. इन इंडिया प्रपोर्शन ऑफ वुमेन इन लेजिस्लेचर हैज़ बीन वेरी लो. यानी कि भारत में विधायिका में महिलाओं का अनुपात बहुत कम रहा है. यानी जो हमारे विधायिका है जो वो होते ना लोकसभा राज्यसभा हमारी जो संसद है यहाँ पे विमेन बहुत कम है, लगभग 14% विमेन है, बाकी सारे आदमी हैं. फीमेल आर नॉट गेटिंग इक्वल वेजेस, मतलब महिलाओं को समान वेतन भी नहीं मिलता है. तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है. अब इन सब की जो डेफिनेशन है ये मैंने बता दी है. अर्बनाइजेशन और ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी और कास्ट हायरार्की, ये सब देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा हिंदी में. देखें तो शहरीकरण, व्यावसायिक गतिशीलता और जाति पदानुक्रम, ये मैंने स्टार्टिंग में ही समझा दिया है कि क्या क्या होता है. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. शहरीकरण भाई शहरों में बसने वाले लोगों का, व्यावसायिक गतिशीलता यानी कि भाई आपके जो फादर काम कर रहे थे ज़रूरी नहीं है कि आप भी वही काम करें, आप पढ़ लिख के जो बनना चाहें वो बन सकते हैं. और जाति पदानुक्रम जो है वो कास्ट सिस्टम जो है हमारे देश में वही बस ये है. अब ये वाला देखिए कि अनलेस वुमेन कंट्रोल पावर देयर प्रॉब्लम विल नॉट गेट एडिक्वेट अटेंशन. वन वे टू एंश्योर दैट दिस हैव मोर वुमेन एज एज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, डू यू अग्री. देखो इसका जो मतलब है वो ये मतलब निकल रहा है कि भाई जब तक महिलाएं राजनीति में ज़्यादा उनको नहीं सीटें मिलेंगी तब तक महिलाओं की जो दुख दर्द है यानी कि महिलाओं की जो दिक्कतें हैं वो कोई नहीं समझेगा. क्या आप इस बात से अग्री करते हो? अगर अग्री करते हो तो बताओ कैसे करते हो. तो इसका आंसर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. इंडिया में प्रपोर्शन ऑफ वुमेन इन लेजिस्लेचर हैज़ बीन वेरी लो. यानी कि हमारे देश में जो वुमेन नेता हैं वो बहुत ही कम है. फॉर एग्जाम्पल परसेंटेज ऑफ इलेक्टेड वुमेन मेम्बर्स इन लोकसभा हैज़ जस्ट टस्ट 14% ऑफ, आप 14.36 छोड़ो 14% याद रखो, सिर्फ 2019 में ही पहली बार 14% महिलाएं आई हैं हमारे देश में, हमारी लेजिस्लेचर में, उससे पहले तो और कम थी. देयर शेयर इन द स्टेट असेंबलीज इज लेस देन 5%. और जो हमारे राज्य की होती है ना विधानसभाएं उसमें तो 5% से भी कम महिलाएं होती हैं. इन दिस रिस्पेक्ट इंडिया इज अमंग द बॉटम ग्रुप ऑफ नेशंस इन द वर्ल्ड. तो ये वाला जो आप हटा दीजिए कि ग्राफ वगैरह जो है तो आप लोग तो दे नहीं सकते हैं ना. तो इंडिया इज़ बिहाइंड द एवरेज फॉर सेवरल डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका. मतलब हम लोग के वहाँ ना औरतें बहुत ही कम जो है वो पॉलिटिक्स में हैं, और लैटिन अमेरिका और अफ्रीका जैसे देशों से भी हम लोग मतलब पीछे हैं इस चीज़ में. इस चीज़ को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो? तो वन वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इज़ टू मेक इट लीगली बाइंडिंग टू हैव फेयर प्रपोर्शन ऑफ वुमेन इन द इलेक्टेड बॉडीज. यानी कि एक तरीके से तो आप ऐसा कर सकते हो कि भाई वुमेन जो है एक परसेंटेज आप बना दो, जैसे कि आपने म्यूनसिपैलिटी या पंचायत में बनाया ना कि 33% महिलाएँ ज़रूर होंगी, ऐसे आप लेजिस्लेचर में भी बना दो. दिस इज़ वॉट द पंचायती राज हैज़ डन इन इंडिया. 1/3 ऑफ द सीट जो है वो लोकल गवर्नमेंट के लिए रखी गई है, पंचायत और म्यूनसिपैलिटी में वुमेन के लिए रिजर्व कर दी. नाउ देर आर मोर देन 10 लाख इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव इन रूरल अपन लोकल बॉडी. तो भाई वहाँ पे कर सकते हो तो यहाँ पे भी करो. 10 लाख से ज़्यादा अब महिलाएं जो हैं वो चुन करके आती हैं रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज़ में. तो स्टेट और नेशनल लेवल के जो इलेक्शन होते हैं वहाँ पर भी आप ये कर दो. तो हिंदी में यहाँ पर ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हो. समझा तो मैंने पूरा दिया है. अब अगर हम लोग 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो आते हैं उसमें देखें. इलेक्शन इज ऑल अबाउट कास्ट इज नॉट ट्रू. इलेक्शन सिर्फ कास्ट के बारे में होता है ये चीज़ तो ट्रू नहीं है. चुनाव जाति के बारे में सच नहीं है. समझाओ कैसे? तो देखो, नो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी इन इंडिया हैज़ अ क्लियर मेजोरिटी ऑफ वन सिंगल कास्ट. सो एवरी कैंडिडेट एंड पार्टी नीड टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ मोर देन वन कास्ट
एंड कम्युनिटी टू विन इलेक्शन, मतलब हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती हैं, क्षेत्र बनते हैं इलेक्शन वाले, उसमें ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक ही जाति है या फिर एक ही धर्म है, तो यानी कि वहाँ से जो कैंडिडेट जीत करके आ रहा है उसको सारी जाति सारे धर्म के लोगों के वोट चाहिए, तभी वो जीत सकता है फाइनली. नो पार्टी विंस द वोट्स ऑफ ऑल वोटर्स ऑफ अ कम्युनिटी और कास्ट. व्हेन पीपल से दैट अ कास्ट इज अ वोट बैंक ऑफ अ वन पार्टी, इट इज यूजुअली मीन दैट लार्ज प्रपोर्शन ऑफ वोटर्स फ्रॉम दैट कास्ट वोट फॉर द पार्टी. यानी कि अगर कोई कहे ना कि भाई ये जो ये वाली जो कास्ट है ना ये तो हमें ही वोट देती है, मगर ऐसा नहीं है, उस कास्ट के सारे लोग एक पर्टिकुलर पार्टी को वोट नहीं देते हैं. मतलब ये है कि उस कास्ट के हो सकता है ज़्यादा लोग उस पार्टी को वोट देते हो, बट सारे लोग एक जात के एक कास्ट के एक पार्टी को वोट नहीं देते. सपोज करो कि ए कास्ट है वो ज़्यादातर बी पार्टी को वोट देती है, बट ज़रूरी नहीं है कि ए कास्ट के सारे ही लोग इस बी पार्टी को वोट दें. Many political parties may put up candidate from the same caste if that caste is believed to dominate the electorate in particular constituency. Some voters have more than one candidate from their caste, while many voters have no candidate from their caste. तो ऐसा भी हो जाता है देखो कई बार कि भाई इस क्षेत्र में जो है एक पर्टिकुलर कास्ट है, सपोज करो कि वैश्य ज़्यादा है इस एरिया में, यानी कि जिन्हें बनिया बोलते हैं ना हिंदू धर्म में, वो ज़्यादा है, तो जो पार्टी है वो बनिया ही कैंडिडेट ले आएगी ताकि उस क्षेत्र से उनको ज़्यादा वोट मिले. मगर ज़रूरी नहीं है ना, फिर सारी की सारी पार्टी बनी रहेंगी, फिर कौन जीतेगा? फिर कुछ होता है कि एक कास्ट को ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है, बाकी सारी कास्ट का तो कोई रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर होता ही नहीं है. इस तरीके की भी बात देखी जाती है. रूलिंग पार्टी और सिटिंग MLA और MP फ्रीक्वेंटली लूज इलेक्शन इन अ कंट्री. दैट कुड नॉट हैव हैपेंड इफ ऑल कास्ट एंड कम्युनिटीज वर फ्रोजन इन देयर पॉलिटिकल प्रेफरेंस. तो भाई देखो, हमारे देश में हमने देखा है ना कि जो सिटिंग MP MLA है वो बहुत बार हार जाते हैं, कोई और जीत जाता है. और अगर ऐसा होता कि एक कास्ट के लोग एक पर्टिकुलर पार्टी को ही वोट करते हैं, तो ऐसा तो फिर नहीं होता कि भाई कोई हारता ही क्यों, फिर तो वही इंसान जीतता रहता बार 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 बार, बट ऐसा नहीं होता. तो हमें इसे इस समझ में तो थोड़ा थोड़ा आता है कि चुनाव जाति के बारे में जो बातें की जाती है ना, वो बहुत तरीके से पूरी तरीके से तो भाई सच नहीं है. अब एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेकर ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन वर अवेयर ऑफ दिस चैलेंज, दैट इज़ वाई दे चूज द मॉडल ऑफ सेक्युलर स्टेट. एक्सप्लेन इट. कौन सा चैलेंज भाई? धर्म और जाति वाला जो चैलेंज है, हमारे संविधान निर्माता इस बात को समझ गए थे, इसलिए उन्होंने हमारे देश को एक सेक्युलर यानी कि धर्म निरपेक्ष देश के तौर पर चुना. तो मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वर अवेयर ऑफ दिस चैलेंज कि भाई ये चैलेंज तो आएगा कि जाति के आधार पर धर्म के आधार पर चीज़ें दिक्कत करेंगी, दैट इज़ वाई दे चूज द मॉडल ऑफ सेक्युलर स्टेट. और कैसे रिफ्लेक्ट होती है ये चॉइस? देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन फॉर इंडियन स्टेट. हमारे देश का कोई ऑफिशियल रिलीजन तो है नहीं. अनलाइक द स्टेटस ऑफ बुद्धिज्म इन श्रीलंका, इस्लाम इन पाकिस्तान, क्रिश्चियनिटी इन इंग्लैंड, आर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव अ स्पेशल स्टेटस टू एनी रिलीजन. हम अलग अलग देशों में देखो, श्रीलंका में बौद्धों को इंपॉर्टेंस देते हैं ज़्यादा, इस्लाम को पाकिस्तान में, क्रिश्चियनिटी को इंग्लैंड में, मगर हमारे देश ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है. सब धर्म समान हैं, सर्वधर्म संभव. द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स टू ऑल इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज फ्रीडम टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन और नॉट टू फॉलो एनी रिलीजन. तो भाई हम लोगों ने रखा है कि भाई किसी को कोई धर्म फॉलो नहीं करना है तो ना करें, जो भी धर्म फॉलो करना है करें, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं. कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट करता है कि भाई धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा. कॉन्स्टिट्यूशन सेम टाइम पर अलाउ करता है द स्टेट टू इंटरवीन इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन इन ऑर्डर टू एंश्योर इक्वालिटी विद इन रिलीजियस कम्युनिटीज. फॉर एग्जाम्पल, इट बैन अनटचेबिलिटी. भाई देखो, हम धर्म के मामले में देश का कोई धर्म नहीं है, सभी धर्म समान हैं, मगर अगर धर्म में कोई गड़बड़ी है तो हमारे देश का संविधान उसमें घुसेगा. जो छुआछूत की मान्यता थी, अनटचेबिलिटी थी, ये हमारे संविधान ने बैन कर दी है. तो यहाँ पर देखिए, ये हमारे हिंदी में मॉडल आंसर है. अब यहाँ पर जो ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो हम आगे के वीडियो में कवर करेंगे. वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें. थैंक यू.